गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम एक फाइनल लेसन और पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कोई आपको कन्फ्यूजन रह गया हो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग लकी हैं कि आधा से ज़्यादा चैप्टर हटा दिया तब भी ये चार नंबर का ही है। तो इसका आप 5-6 पेज लर्न कर लेते हैं तो इससे बेहतर कोई हैप्पी दिवाली नहीं होती है। यस, 5-6 पेजों को लर्न कर लो। जो जो सवाल आपके कोर्स में है वो सारे मैं आपको एक पेज में सेंड करके, न्यूमेरिकल, न्यू टाइप, लघु, अति लघु, सब में परेशान नहीं हो। जो जो आपको सर ने पढ़ाए उनको कर लें अच्छे से। यस, मेरे हाथ में बोर्ड का सिलेबस भी है, आपके पास भी है वो, तो उसमें मैंने देख के टैली करके बेटे चैप्टर फिनिश किया है। ओके, और मैं छोटी छोटी बातें बताऊँगा तो आप इसको गौर करना थोड़ा सा, और मैं आपको लिख के भी दूंगा अगर कोई नई बात मुझे इसमें दिखेगी तो। देखिए, एक बात तो मैं थोड़ी सी पहले आपसे करूँगा। सर, आपने कहा था हमें कि सर ये आपने ये कहा था कि सर ये जब धातु होता है, बट एक मिनट, एक नोट की बात कर रहे हैं सर, और आप भी ऐसा करना, नोट कर लेना मेरे साथ। ये देखो, इधर से प्रकाश आता है, बिल्कुल डरेंगे नहीं आप, और इसमें से इलेक्ट्रॉन तभी पैदा होते हैं जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति किससे ज़्यादा होती है, देले, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे कितने फोटॉन डाल दो। चलिए बात की बात है, ये धातु है तो धातु कौन सा लेते हैं, ये आपका सवाल है, छोटा सा बच्चों का सवाल है। बेटा मैं कह दूं कि यदि यदि धातु की सतह पर कौन सा प्रकाश आके गिर रहा है बताओ, दृश्य प्रकाश। आप लोग जानते हैं दृश्य प्रकाश होता है, ये सिंपल सूर्य का प्रकाश है, एक तरह का ट्यूबलाइट का प्रकाश है। तो जब दृश्य प्रकाश आके गिरता है, यस, तो मैं याद कराऊं आपको कि हम लोग क्षारीय धातुओं का प्रयोग करते हैं। बेटा कौन से धातु बताओ, बिल्कुल आप नोट कर लो अगर ये नोट्स में नहीं हो तो। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जो धातु लिया वो कैसे होने चाहिए, क्षारीय, क्षारीय में कौन आते हैं बताओ जल्दी, आप मुझे बता दो क्षारीय धातु कौन से होते हैं। वो सबसे बेहतर होता है आपका कौन, सीजियम, ये आपको पता है कि लीथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और सबसे सुंदर वाला होता है सीजियम। इन क्षारीय धातुओं का अगर कैथोड बना है तो उनमें से पक्का पक्का कौन उत्सर्जित होते हैं बताओ जल्दी, इलेक्ट्रॉन। एक बात तो याद रख ली, बेसर्त की धातु पे कौन गिरने वाला हो, दृश्य प्रकाश, ये भी लर्न करना आप, क्यों नहीं कर सकते भाई। अगर अगर धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश गिरता है, बेटा आराम से देखना, कौन सा प्रकाश बताओ, पराबैंगनी प्रकाश। ये सारे प्रकाशों के टाइप अपन पढ़ेंगे 17वें चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर होता है 17वां, तब आप पढ़ेंगे। यस, तो देखिए सर ने यहाँ पे लिखा है, जिंक भी लिखा, मैग्नीशियम भी लिखा और कैडमियम भी लिखा। अगर आने वाला प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश है तो आपका धातु ये ही होने चाहिए, अन्यथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। सब बच्चे इसको नोट कर लो, आपके मन में ये बात नहीं रहे कि सर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग करते हैं। आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम, आपको ये पता हो जाना चाहिए। एक छोटी सी बात मुझे नज़र आई आपकी किताब में आई, यस, और कोई भी छोटी सी किताब में आपको बात हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। फोटोन हम पढ़ी चुके हैं अच्छी तरह से, फोटोन का स्टडी कर लिया, आइंस्टीन समीकरण का कर लिया, प्लैंक के स्थिरांक की वैल्यू निकाल ली, दत्त प्रकृति का नॉलेज है हमें, और दी ब्रोगली परिकल्पना तो हम बहुत अच्छे से कथन सीख चुके। तो बेटा ये तो हमारा ये प्रॉब्लम था। अब आपने कहा सर एक्सरसाइज पे आ जाओ, बेटा मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ छोटे बच्चों की तरह, ऐसा आना तो अच्छा नहीं लगता। अति लघु प्रश्न छोटे छोटे हैं, आइंस्टीन समीकरण का सूत्र लिखो, निरोधी विभव किस कारक पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्वांटा बैंड को क्या कहते हैं, फोटोन, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है, पढ़ा दिया आपको, इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं। हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस से हट गया, यस, डिवीजन जरमर बिल्कुल हट गया, बोर्ड में साल आ भी चुका है। तो आपको अति लघु प्रश्नों में ये देखो बेटा, अति लघु में आपको केवल ये करने हैं, वैसे मैं पेज में लिख के भी दूंगा आपको। अति लघु में आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, आई थिंक चारों तो हैं, पांचवा भी ठीक है, बस ये लो, आगे के नहीं करने हैं। अब आपने कहा सर लघु प्रश्न, बेटा लघु प्रश्नों में परिभाषाएं दे रखी हैं, तो सारी परिभाषाएं आपको आती हैं, मैं पढ़ूंगा एक बार।
यस, प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होता है, दिल्ली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, डिविजन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या है, बोर्ड में साला चुका हट गया सिलेबस से, इसका मतलब लघु प्रश्नों में चौथा आपको नहीं करना है। पांचवा दे ब्रोगली तरंग धीर की परिकल्पना लिखे आता है आपको, और छठा भी नहीं करना है। छठे का मतलब अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग का, इट इज रिमूव, हट गया ही। तो दो नहीं करने और सारे करने, केवल छह ही तो हैं। तो ये अति लघु और लघु सब आपको आ भी रहे हैं, मैं ऐसा नोट कर रहा हूँ, सब चीज़ आती है बेटा। निबंधात्मक प्रश्न में, निबंधात्मक मतलब बड़े प्रश्न जिनको कहते हैं आप लोग आपकी भाषा में बड़े बड़े प्रश्न, यस, इनकी रीडिंग करूँ मैं थोड़ा सा। पहले प्रयोग को समझाओ, बिल्कुल पहला प्रयोग समझा दिया हमने। दूसरा तुलना करो, वो पुराने ज़माने की नए ज़माने से तुलना करी थी मैंने, आपको याद है ये जो बोर्ड में भी आई थी इस साल, पढ़ चुके अपन ये, दूसरा सवाल। तीसरा यस, प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण लिखिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव, बिल्कुल ज़ोर से करना है, आइंस्टीन समीकरण की व्युत्पत्ति। चौथा फोटॉन किसे कहते हैं, बिल्कुल करना है आपको, चौथा भी करना है बस बेटा। पाँचवा छठा हमारे सिलेबस से हट गया, आप भी क्रॉस कर लेना किताब में, तो देख लो इधर चार पांच क्रॉस करें, इधर एक से पांच करने, छः सात आठ नहीं करने, ये आपको पता चल गया कौन कौन से करने। अब मैं पहले न्यूमेरिकलों में टिक लगा दूँ अनसोल्ड में और एग्जांपल्स में सब में, कि आपको कौन से नहीं करने हैं वो आप कर लेना, बिल्कुल सीधे सीधे से। टफ है जो सर अभी करवाएंगे आपको, जो मेरी नॉलेज में टफ है बेटा। पीछे के सवालों में चले, पहला प्रश्न आपको करना है, जो करने हैं वो मैं बता दूँ, यस, पहला करना है, दूसरा करना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट भी होता है, एग्जाम में भी आया हुआ है कभी, तीसरा इसी साल एग्जाम में आया, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है बेटा दूसरे से। वन टू थ्री तीनों करने सर कराएंगे अभी, अब टेंशन नहीं लें। चौथा नहीं करना, पाँचवा करना है, यस डू इट। पाँचवा सिलेबस में, छठा गायब हो गया, सातवा गायब हो गया, आठवां सुंदर सा है, छोटा सा करना है आपको बस बस। नवा नहीं करना, दसवां कर सकते हैं, दसवां भी बिल्कुल छोटा सा है अभी सर बता देंगे, और ग्यारहवां भी कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं आता है, लीगल कैलकुलेशन का है, बारहवां हट गया। तो ये आपको इतने सवाल अनसोल्ड में करने, टिक लगा लें सब बच्चे अपनी किताब में, ये हमारे सिलेबस में है बेटा। मैं एग्जाम्पल में भी आ जाऊँ, आप डरोगे नहीं, एग्जाम्पल में मैं बता दूँ कि एग्जाम्पल कौन कौन से अपन को टैली करने हैं, जो सर भी बताएंगे अभी। ये देखो, ये तो आपका कौन था, अभ्यास, अभ्यास मीन्स एक्सरसाइज, आप सभी सवालों में प्रयास करें, सिलेबस में जो हटे हैं वो सर ने लगा दिए। अब मैं बता रहा हूँ उदाहरण, आप भी निशान लगा लें उदाहरण में सब बच्चे, यस। और ये देखो बेटा उदाहरण, पहला जिसको आप कहते हैं 13.1 उदाहरण करना है आपको, धीरे धीरे अच्छे बच्चों की तरह करो, 13.2 भी देखो, घर पे आएगा 13.2 भी देखेंगे, और चलूँगा मैं आगे आपको, रिलैक्स, तीन चार पाँच ये भी आपके एग्जांपल हैं बेटा, ये भी करने हैं आपको, तीन एक भी मत छोड़ो, क्यों छोड़े इतना हमें, ये देखो इतना सा तो हमारे पास सिलेबस बचा है, कुछ पढ़ने का ही नहीं बचा, थोड़ा सा बस 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 बस, और आपके सारे एग्जाम्पल रिमूव हो गए, हट गया चैप्टर आधा। तो ये आप सब बच्चे नोट कर लो, पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। अति लघु में एक से पाँच करने, आगे के ड्रॉप क्रॉस कर लेना पेंसिल से, लघु में चौथा छठा नहीं करना है और सारे करने हैं, वो परिभाषाएँ हैं। बड़े प्रश्नों में एक से चार पढ़ने, पाँच छः को ड्रॉप करना है, क्रॉस कर लो आपके पेंसिल से किताब में, और मस्ती से पढ़ो, क्योंकि किताब थोड़ी बदलेगी, चैप्टर तो हटा है। उदाहरण, और इसमें यूँ लिख देते सर एक से पाँच करने बस, अनसोल्ड में इनको ट्राई करने एक से पाँच, आठ दस ग्यारह भी कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। अब मैं चलूँगा फिर आगे वापस, मैं तो आगे फिर चलूँगा। अब आपने कहा सर मैं टप टप सवाल कौन से, इसमें वो बता दो, बिल्कुल बेटा मैं वही बता रहा हूँ, एक मिनट आप नोट भी करना, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, कर लो बस। अब जो टप टप अनसोल्ड है, टप तो कोई सा भी नहीं है पहली बात, फिर भी अपन देख लें, मैं आपके साथ मिलके देख लूँ, मैं सारे सवाल करा देता हूँ। अभ्यास प्रश्न बिल्कुल मैं सारों की ही प्रैक्टिस करा दूँ, आप कतई नहीं डरें,
ये देखो बेटा, पहला सवाल है, कैलकुलेशन आप कर लेना, छोटा सा सवाल। एक प्रकाश, सॉरी, इस प्रश्न में ढीली आवृत्ति का मान दे रखा है, तरंग धीर का मान दे रखा है। याद रखो, तरंग धीर का मान हमेशा अंगस्टान में देते हैं, तो जो भी संख्या दे रखी होती है उसको काय से गुणा कर दोगे आप मीटर से, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसका एक अंगस्टान में कितने मीटर होते हैं, लैम्बडा दे रखा है। बच्चों बताओ, कार्य फलन व निरोधि विभव क्या होगा? बेटे इसमें पहले तो पूछा कार्य फलन, मैं आपसे बात करूँ, बस फार्मूला लिख लो, धीरे धीरे घर पे कैलकुलेशन कर लेना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं होता। कार्य फलन का मतलब होता है एच नी नॉट, ये भी दे रखा है आपको। अब आप बताओ, तो इसका मतलब कार्य फलन आप निकाल लेंगे, आवृत्ति दे रखी है आपको हर्ट्ज में, तो कार्य फलन का आंसर कायम आएगा बताओ, जूल में। एक बच्चे का सर हमारी किताब में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, तो याद रखो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, धीरे धीरे याद रखो, जोर से याद कर लो इसको, इतने जूल होते हैं बेटा। तो याद रखो, जिंदगी में एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ये देखो सवाल भी कर लो, कितना बढ़िया मौका हमारे पास, शानदार मौका, ये लो फिनिश। अब आप बताओ, ए बेटा अब आगे नहीं सेटिंग, अगर आपको कार्य फलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, दोनों संख्या को गुणा करके इकाई का भाग दे दो, आपकी बुक का आंसर मिलेगा, बड़े जोर से मिलेगा। ये आपका पहला भाग हो गया। दूसरा, इसी प्रश्न में दूसरी बात और पूछ रहा है, ये निरोधी विभव निकालो। कौन सा विभव? निरोधी विभव जिसको वी नोट कहते हैं आप लोग। यस, ये कह रहा है कि निरोधी विभव की गणना करो। बच्चों निरोधी विभव की गणना करो, यस निरोधी विभव की गणना करो। आपको एक आवृत्ति दे रखी है, डेली आवृत्ति, और एक तरंग धैर्घ्य दे रखा है, और आपको निरोधी विभव की गणना पूछ रहा है एग्जामिनर। अब मुझे आप बताओ, निरोधी विभव, धीरे धीरे देखना बेटा, निरोधी विभव, एक तो निरोधी विभव का फार्मूला हमारे पास था, ये क्या था बताओ, वी नोट बराबर एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो ये भी बात चलेगी, बिल्कुल चलेगी। बट न्यू नोट आपको दे रखा है, यस, तो आपने कहा सर न्यू नोट दे रखा है, लेकिन न्यू तो हमें दिया ही नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कार्यफलन आपने निकाल लिया, कार्यफलन आपने निकाल लिया, और इसका सीधा तरीका बताऊँ आप थोड़ा सा समझते हैं तो। बट एक मिनट बताना, आइंस्टीन समीकरण आपने ऐसे निकाला था, ये कौन सी एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी। वैसे देखो मजे में, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ई माइनस फाई नॉट। एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया, पहले वाला करो, कार्य फलन ये हो गया, यहाँ आंसर जूल, एग्जाम में जूल लिख दो, कोई जरूर नहीं इलेक्ट्रॉन बोल्ट लिखो, बट किताब में तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में आंसर है, तो आप एच न्यू नोट को गुणा करके इसका भाग देना। ये आपका पहला सेक्शन था, दूसरे को हम तैयार कर रहे हैं अभी, एक मिनट में, बस अब दूसरा सेक्शन के लिए जगह मिल गई आपको, एक मिनट देखना बेटा। दूसरा सेक्शन निरोधी विभव पूछ रहा हुआ एग्जामिनर, ये कह रहा है कि बच्चों निरोधी विभव के लिए कैलकुलेशन करो। बड़ा सवाल है, ऐसे सवाल आते नहीं, लेकिन करना जरूर है, ये निकालना है आपको। आप बताओ, आपके पास आइंस्टीन समीकरण अपन निकालते हैं तो आप कार्य फलन प्लस क्या यूज में लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलो, ई माइनस फाई नॉट, तो ये तो आपने निकाल लिया ना भाई, यस। तो आपने कहा सर ये कहाँ से लाएंगे, ई भी हमारे पास है, ये देखो ये आंसर आपने काय में निकाला बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तभी आएगा जब नीचे काय से गुणा करोगे आप। देखो बहुत राज की बात बताइए सर ने, ये देखो ये दशमलव लगाया बेटा यहाँ पे, एच प्लैंक कांस्टेंट आपको नोट्स में उसमें दे रखा किताब में, सी प्रकाश का वेग हम जानते हैं, लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है अंगस्टान में, उसको काय में बना लो मीटर में, ये रखेंगे और ये रख के, और ये पूरा आंसर भी आपका कायम आने जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपने पहले सेक्शन में निकाल ही लिया, दोनों को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो हम सर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी पूछ रहे हैं वो एग्जामिनर काइनेटिक एनर्जी तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो तो निरोधी विभव पूछ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूछे तो अपना आंसर आ गया, लेकिन बॉस वो तो निरोधी, ये देखो तो आपने सुना था काइनेटिक एनर्जी को आप क्या भी लिख सकते हैं, बोलो इस काइनेटिक एनर्जी के सर क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट। तो ईवी नॉट इज इक्वल टू आपका वापस लिख दो, ये तो कुछ भी नहीं है, लैम्डा इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19,
यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बोल्ट लगाओ, और फाइनोड तो आपने निकाला ही काय में, बताओ जल्दी इलेक्ट्रॉन बोल्ट में, इलेक्ट्रॉन बोल्ट में। बस बेटा ये आंसर आपका आ गया। जो भी आंसर आएगा तो आपको वी नोट निकालना है, और ये पूरा आंसर कायम आ रहा है तुम्हारा। अब वी नोट निकालेंगे तो नीचे किससे डिवाइड करेंगे आप, ई से, तो आपका मात्रक केवल क्या बचेगा बताओ जल्दी, वोल्ट बचेगा मात्रक। क्यों? क्योंकि बेटे क्यों बचेगा वोल्ट, ये कौन है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख कौन पढ़ने वाला बच्चा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इतने। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो भी इतना ही होता है। देखो चंबे की बात, तो जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं आप लोग, वोल्ट। तो आपका आंसर ई को नीचे करते ही, और जो आंसर आएगा वो आपको किताब में मैच करना है। दिखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा सा सवाल है, तो पहले आप फाई नोट निकाल लेना, फाई नोट को यहाँ रख देना, इसकी कैलकुलेशन करके घटा के वी नोट को निकालना। तो ये आपका दूसरा सवाल है कैलकुलेशन, पहला सवाल है कैलकुलेशन में बड़ा लग रहा है, बट बड़ा टफ सवाल नहीं है। और मैं बताऊँ, देखो बेटा दूसरा सवाल देखो, धीरे धीरे ये कैलकुलेशन परेशान करेगी आपको, सवाल तो कुछ भी नहीं है। दूसरे को पढ़ूँ मैं बड़े आराम से, धातु के लिए डेली तरंग देर दे रखिए, कार्य फलन निकालो, कोई मतलब नहीं है। ये लो लैम्डा जीरो आपको दिया है, हमेशा याद रखो अंगस्टान में देगा एग्जामिनर, आपकी ड्यूटी है कि जो संख्या दे रखी है उसको काय से गुणा कर दो बताओ जल्दी। बस अब बताओ कार्य फलन पूछ रहा है एग्जामिनर, मजे आ गए। एच नी नॉट, नी नॉट को क्या कहते हैं, सी अपॉन लैम्डा नॉट। आपने कहा सर हम भूल गए, मत भूलो, सी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। अब बताओ लगाओ आइडिया, नी नॉट की जगह क्या रख दिया सर ने। बेटा ये आंसर तो आपका कायम आएगा बताओ जूल में, अगर किताब में एग्जामिनर कह रहा है कि आंसर आप कायम ही निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे। बस 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 अब आपको संख्या ही तो रखनी है। बिल्कुल एच सी और लैम्डा जीरो का मान रख के और आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, घर पे आपका अच्छा टाइम पास भी होगा और आंसर भी आएगा। कर लेंगे अब दूसरा सवाल, देखो तीसरा सबसे अच्छा सवाल है इस चैप्टर का, अनसोल्ड का, बड़ा बड़ा सा लगेगा आपको, छोटा सा सवाल आता है इस चैप्टर में से, बड़े 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 कर रहे हैं कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न आप देखें, कौन अच्छा बच्चा है जो समझने का प्रयास करेगा 13.3, 13वें चैप्टर का तीसरा अनसोल्ड, तीसरा क्वेश्चन कह दूँ मैं, ये अनसोल्ड क्वेश्चन है बेटा। दो तरंग धैर्य दे रखे हैं आपको, गति ऊर्जाओं अंतर ज्ञात करो। पहले ध्यान से देखो सर क्या कहते हैं, दिया बेटा दो तरंग धैर्य दे रखे, पहला मैं लिखूँ धीरे से इसमें से 3000 एंगस्ट्रॉम, नाउ रिलैक्स, और एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाना सीख लो, कब सीखेंगे आप, अभी नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये बन गया और बनाओ, आपने कहा सर सात क्यों लिख दिया, देखो ध्यान से सात क्यों लिखा, अरे कब देखोगे, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में बनाओ, सर ने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि तुम बड़े हो गए। बोलो लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों दे रखे, सॉरी 6000 है कि 5000 है, 6000 बेटा कोई बात नहीं, 5-6 बन जाता है। ये लो बस बस, अब एग्जाम में पूछ रहा गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात करो, तो बेटा पहले मैं फार्मूला बनाना पड़ेगा तब आंसर आएगा इसका। तो अच्छा सवालों में काउंट होता है, इजी तो है ही, ये खैर इससे दोस्ती कर लो, इस फार्मूले से फाई नोट प्लस के, आने वाले फोटॉन की ऊर्जा दो काम करती है, कार्य फलन और गतिज ऊर्जा। एक ही धातु पे दो दो लाइट आ रही है, तो बताओ पहली लाइट आ रही है उसकी फोटॉन की ऊर्जा ई वन है, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के वन है। अब सर ये नहीं होगा वन, क्योंकि एक ही धातु के सतह पे दो प्रकाश आके गिर रहे हैं, दूसरा प्रकाश आ रहा है इतनी ऊर्जा का, वही धातु का कार्य फलन वही रहेगा, उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी K2। बट इन दोनों को घटा के देखो तो बताओ क्या आएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K1 माइनस K2। बेटा मैंने समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दिया मान लो यार, तो बताओ तो ये आपका आ गया E1 माइनस E2 बराबर डेल्टा K। डेल्टा K को कहते हैं गतिज ऊर्जा में अंतर। फिर देखो अभी तो सर फार्मूला ही बना रहे हैं, ये देखो E1 माइनस क्या लिख दूँ E2, इसको ब्रेक कर दिया, E बराबर क्या होता है एस सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 1, बोलो बोलो बोलो।
नहीं आता तो फिर देख लो इधर, कोई शर्म की बात नहीं है, ई बराबर एच नहीं होता है। ज़ोर से सीखो, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो, याद हो जाता है। अब मान लो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, एस सी, बिल्कुल सही बात है। देखो देखो फार्मूला बनाने में दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लेना बनने के बाद, और न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं आप। बेटा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन डिवाइडेड बाई लैम्डा वन लैम्डा टू, बस 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 खेल ख़त्म। ये आंसर तो बच्चे काय में आ रहा है, बताओ जूल में। अगर आपका बुक वाला कहता है कि गतिज ऊर्जा में अंतर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, एग्जाम में तो जूल में निकाल के छोड़ दो, तो आप डरोगे नहीं कि साहब हमारा उत्तर ही नहीं मिल रहा, गुरुजी गलत तो नहीं हो गया। अरे नहीं होता है कुछ गलत, काय का भाग दे दिया, अब आपका आंसर काय में आएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो आपकी बुक में दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कुछ भी नहीं करना आपको, इस पूरे फार्मूले में किसका मान रखना है, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अब आपको लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन घटाना नहीं आ रहा, ये आपकी कमी है बेटा, छः में से तीन ही तो घटाना, तो तीन बचा, दस की घात माइनस सात तो कॉमन आ जाएगा, और नीचे करना गुना, बस नीचे गुना करके इलेक्ट्रॉन वो इंटू से मल्टीप्लाई करना है, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आंसर आएगा। वो आप टेली करना घर पर, शानदार तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लो, ये सवाल को करना आप अपने आप, बड़े आराम से हो जाता है। बेटे तीसरा सवाल था, धीरे धीरे देखो, गतिज ऊर्जा में अंतर निकालना था। ये आप डायरेक्ट ये फार्मूले को यहाँ से लर्न कर लो, जरूरी आप एग्जाम में ये पूरा लिखें, ये आपको लर्न है फार्मूला, तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। शानदार सवाल हम आता है, आप लोग करना ट्राई, पक्का पक्का करना ट्राई। बेटे तीसरा प्रश्न था, धीरे धीरे देखो आराम से, तीसरा प्रश्न है ये लो, और एक दो सवाल ऐसे हैं जिनको मैं बता दूँ आपको, फिर आप धीरे धीरे देखो एग्जाम्पल्स को देखो, कोई एग्जाम्पल क्रिटिकल लगे उसको थ्योरी को ढंग से पढ़ के और उसको बार बार करो, आएगा। ये लो बस बस फिनिश। ये देखो ये तो काम में आता ही रहता फार्मूला। बेटा मैं आगे चलूँगा एक और, यस यस यस। ये देखो आपको चौथा तो नहीं करना, हट गया इस साल बोर्ड में, पाँचवा भी करना है, स्पेशल पाँचवा सवाल। बेटा ये भी स्पेशल है, आपने कहा सर क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला हमारी किताब में नहीं आया, तो आपने कहा सर गंदा है क्या, अरे अब ईजी है, पूरा ही सॉल्व करके बता रहे हैं सर। फोटॉन संख्या, जिंदगी में याद रखो, कभी भी फोटॉन संख्या पूछे एग्जामिनर तो वो आपको शक्ति तो देगा ही देगा, स्रोत की शक्ति बटा ऊर्जा। बेटा शक्ति और ऊर्जा के अनुपात को संख्या कहते हैं, आपने कहा सर समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे शक्ति का मात्रक होता जूल बटा सेकेंड, और ऊर्जा का मात्रक होता जूल, जूल से जूल कट गया, एक बटा सेकेंड बचा। इसका मतलब आप फोटॉन संख्या निकाल रहे प्रति सेकेंड, फोटॉन संख्या प्रति सेकेंड। शक्ति को कैसे डिनोट करेंगे, पी से। ऊर्जा को कैसे करते हैं, ई से। आपका फैशन याद करो फार्मूले को, पी 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 काय में देगा, पी एग्जाम्पल जिंदगी भर बाट में देगा। ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, दैट्स ऑल। एक बच्चे ने कहा सर ऊर्जा नहीं दे एग्जामिनर तो क्या करेंगे हम, तो डरेंगे नहीं, आपको लैम्डा देगा, या तो एग्जामिनर ये देगा या ये देगा, फटाफट सवाल कर लेंगे आराम से। ओके यस, ये देखो ये एन को निकाल लेंगे बेटा अपन आराम से, जिंदगी में न्यू दे रखा हो तो पी तो वाट ही देगा, वो पक्का है, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हो जो वाट में नहीं दे। न्यू आवृत्ति देगा वो हर्ट्ज में, और इधर लैम्डा देगा वो एंगस्ट्रॉम देगा, हम उसके खोपड़ी पकड़ के मीटर बना लेंगे। आपने कहा सर इसमें क्या सवाल है, बड़े इसमें तो आवृत्ति दे रखी है बड़े प्यार से, 5×10^14, और शक्ति दे रखी है, तो आपकी किताब का सवाल मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये फार्मूला नोट करना आप जरूर, जरूर कर लिया, लैम्डा वाला भी कर लेना, बस किताब में सवाल ये है। ये देखो एक मिनट में शक्ति दे रखी बेटा 20 वाट, एच का मान घर की बात 6.62×10^-34। चलो आवृत्ति मैं पढ़ के बताता हूँ, आवृत्ति दे रखी है आपको 5×10^14 हर्ट्ज, बस बस ये लो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता चल रहा है कैलकुलेट क्या करोगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगेगी, तो बेटे 2000/662 आ गया, 2000/662, तो 2000 में 662 का भाग देंगे अपन
2000 में 662 का भाग देंगे, सॉरी एक मिनट, ठीक है बिल्कुल 662 का नहीं, इसमें 5 भी है बेटा, यस 5 को इससे गुना करके, मेरा मतलब ऐसे करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं भाई कैलकुलेशन, ये लो, अच्छा नहीं लग रहा, 5 को इससे गुना कर दो, 6 × 5 ऊपर 10^20 ले जाओ ना डायरेक्ट यार, बेटा -37 में से -14 घटाएंगे, माइनस क्या बचेगा 20, -20 नीचे से कहाँ कूद गया ऊपर, आपने कहा सर कूद गया तो ठीक है, और आपकी बुक में आंसर 19 आ रहा है ये, इसके लिए एक जीरो और लगा दी, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आप देखना ये लगभग 6 के बराबर भाग जाएगा, लगभग लिखते हैं हमेशा 10^19, इतने फोटॉन प्रति सेकंड निकलेंगे, तो इसको फार्मूले को फोटॉन की संख्या वाला फार्मूला याद कर लो ये, यस एन बराबर शक्ति बटा ऊर्जा, आवृत्ति दे रखी थी ये सूत्र लगा दो, और आवृत्ति की जगह लैम्डा दे रखा हो तो इस जगह पे सी अपॉन लैम्डा लिख देना, लैम्डा नीचे से ऊपर कूद जाएगा, यस अंगस्टान में एग्जाम में लैम्डा देखा था, उसकी खोपड़ी पकड़ के मीटर में बना लेना, बस यही काम करना है, ओके ये भी करना, सवाल करते हमने कर दिया, तुम क्या करोगे इसमें बेटा। आठवां सवाल और एक छोटा सा सुंदर सा, वो भी मैं बता दूँ, आप करना इसको बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोटॉन की संख्या निकाली आपने, आपने कहा सर ये सूत्र कहाँ से आया, अरे बच्चे शक्ति है ये, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटा सेकंड, तो ऊर्जा झुर्जा घटक 1/सेकंड में संख्या ही तो होती है, तो सूत्र बनाया तो कोई नया नहीं है। चलो एक बार और देखें अपन इसको, आप कैलकुलेशन को टैली करना, यस 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 यस, इसको भी करना आप, थोड़ा छूट सा सवाल एक छोटा सा, आठवां सवाल, बस एक दो सवाल और है, आठवां प्रश्न बड़े प्यार से देखना बेटा, मैं अभी दोनों सवाल बता रहा हूँ, मैं पढ़ दूँ सवाल को, समान ऊर्जा के फोटोन और अल्फा कणों के दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात, बेटा आठवां आपके सिलेबस में नहीं है, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आ गया इसलिए, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मतलब एच बटा, आप अगर अब आपने कैसे लिखा ही दिया तो कर भी दो बेटा, ये सूत्र होता है इसका ये, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की कैलकुलेशन हटा दी एग्जामिनर ने, फिर भी अपन ने लिख दिया तब कर देते हैं यार, आप गुस्सा होंगे नहीं तो बेटा, प्रोटॉन के लिए चलो 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 बस चल गए, ऊर्जा समान दे रखिए, ये प्रोटॉन का मास है, बोलो ना ये प्रोटॉन आ गया, अब अल्फा के लिए चलो 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 अल्फा अल्फा अल्फा, ऊर्जा समान है तो ई लिखेंगे सर, सन्ने एम अल्फा लिख दिया, बड़े होने जा रहे हैं आप, अभी ज़्यादा नहीं हुए बेटा, अल्फा प्रकृति में हीलियम के समान होता है, जिंदगी में याद रखो अल्फा का आवेश प्रोटॉन का दुगना होता है, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है, जिंदगी में याद रखो, देखो और देखो, यस अब बताओ, एक तो ये समीकरण आ गया आपके पास है ना, और एक और निकाल दूं मैं धीरे से बेटा, ऊर्जा समान दे रखी उसको हम चेंज ही नहीं किया बेटा, 4 MP क्यों लिखा है आप घर पे देखना, जोर से देखो, मेरे तो हो गया मेरा काम, अरे MP 4 क्यों लिखा है देखो ना, अरे एम अल्फा किसके बराबर होता है 4 MP के, भाग दे के देखो, दे लेना भाग आपको, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देना बच्चे, दे दिए बेटा मैंने भाग, अंडर रूट 4/1 आएगा, इसलिए आपकी किताब में 2/1 आंसर लिखा है, क्यों, क्योंकि ई से तो ई कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, एस से एस कट, सब कुछ कटेगा, केवल अंडर रूट 4/1 बचेगा, और वो क्या होता है 2/1, आपने जरूर नहीं करें लेकिन अब कर लो, आपको आठवां भी कर लो, नहीं वाली बात अच्छी नहीं है, जब समझ में आ रहा तो कर लो, आगे चलो, बस नोट करो नोट करो नोट करो, एक सवाल में और बता दूँ अगर आप चाहें तो, यस बेटा 10वां सवाल है ना, 11वां वैसे इलीगल स्टेप है, इलीगल कैलकुलेशन है, फिर मैं आपको हिंट बता दूंगा, और 10वां सवाल और देख लें अपन प्यार से, धीरे से देख लें, यस बस यही सवाल करने थे आपको, तो इसको सरफ करना चाहेंगे, अल्फा प्रकृति में किसके समान होता है, नाभिक वाले चैप्टर जब पढ़ाएंगे, नाभिक का चैप्टर केवल इतना सा बचा है जो 2 ही दिन में हो जाता है, नाभिक का चैप्टर आधा से ज़्यादा हट गया, केवल 2 दिन का बचा है बस, परमाणु जरूर पूरा बच रहा है,
नाभिक तो केवल दो ही दिन का चैप्टर बचा बेटा, केवल दो ही दिन में आप पूरा नाभिक तैयार कर सकते हैं। ये देखो बस बस रिलैक्स, ये खत्म हो गया। चलो फिर आ जाओ, एक दसवां सवाल मैं पढ़ के और बता दूं, फिर आप अपना स्टडी करना अपने आप। नाउ वी आर सफरिंग विद द लास्ट क्वेश्चन। सोडियम का कार्यफलन इतना है, अब आप बड़े हो गए, सब जानते हैं सोडियम का कार्यफलन, फाई नोट बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खोपड़ी पकड़ के इसको जूल में कन्वर्ट करो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने तो जूल होते हैं। चलो अब मैं सवाल को आगे पढ़ूंगा, आप बाद में देखेंगे। बच्चों बताओ, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो जो सोडियम से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती है, आपको लैम्डा निकालना बस। बेटा फाई नोट दे रखा है और अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा नोट निकालना है, ठीक है। अब बताओ, तो फाई नोट का फार्मूला भूल गए होंगे, एच नी नोट होता है, नी नोट को तोड़ेंगे टूट गया, बिल्कुल टूट गया, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट है, डेली तरंग दे रहे बेटा ये। अब बताओ बस, अब लैम्डा नॉट निकालना है, इधर आ जाओ, आगे लो लैम्डा नॉट, ऊपर कौन है फाई नॉट अपॉन कौन है एस सी, बस घर पे खेलते रहो, खूब जोर जोर से कैलकुलेशन करते रहो। 1.6 इंटू 10 की घात -19 डिवाइडेड बाई एच, धीरे धीरे 10 की घात -34 से प्रकाश का वेग होता है 3 × 10^8। बेटे सारी संख्याएं सर ने लिख दी। अब आपने कहा सर इसका आंसर तो बड़ा गंदा गंदा दे रखा है, 539 दे रखा है नैनोमीटर, 539 नैनोमीटर। अरे नहीं लिखना आपको नैनोमीटर में भाई, 539 इंटू 10^-9 मीटर। याद रखो एक नैनोमीटर इसके बराबर होता है, कब याद करेंगे आप, एक अंगस्टान इसके बराबर होता है। तो आप लोग धीरे धीरे ट्राई करें कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल शुरू के चार ही तो करने हैं, पांच ही आपको, तो आप इन सवालों को धीरे धीरे करो। सवाल मायने नहीं रखता बेटा, घर पे थ्योरी समझने का प्रयास करो। आंसर मीटर में निकाल लो आप, ज़रूर नहीं है कि आपकी किताब में नैनोमीटर लिखा तो आप मीटर लिख के यहीं पे छोड़ देना, आंसर से अप्रोक्सीमेटली होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक की नकल है ये भी एक तरह से, तो राउंड फिगर में आंसर्स होते हैं, उसका टेंशन मत लो। तो देखिए मैं समझता हूँ कि चैप्टर बेटा टफ तो आपको लगेगा क्योंकि लैंग्वेज का चैप्टर है, बट आप प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा 6-7 पेज पढ़ने और 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। 6-7 पेज पढ़ के आपको 4 नंबर बोर्ड में मिलते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अरे ये कोरोना ने अच्छा कर दिया आपके लिए, थोड़ा सा पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छी परसेंटेज बनेंगे आप सबके। ये देखो आपने कहा सर अब आप बताओ, जो ये अपन चैप्टर पढ़ा है जिसको अपन ने बोला था प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये चैप्टर जो अपन को देख रहा है, आप लोग जब भी आएंगे स्कूल और हैप्पी दिवाली के बाद आएंगे तो आते ही इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे और हो सका यथा संभव दिवाली के बाद हम परमाणु भी पहले करवा देंगे आपसे। दोनों चैप्टरों का शानदार एग्जाम देना, परमाणु भी 5 ही पीरियड का है, नाभिक तो 3 ही पीरियड का है बस केवल। तो सेकंड फिजिक्स छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, बड़े शीट से होते हैं अच्छे अच्छे। तो बेटा ये देखो ये चैप्टर आपने पढ़ा, कई बच्चों को लैंग्वेज में ये समझ में नहीं आता कि सर ये तीव्रता आवृत्ति क्या चीज़ होती है। बेटा एक मिनट में इनको एक बार और बता दूँ, आप कतई नाराज मत होना, कतई गुस्सा मत होना, अब ध्यान से देखो आप। फिर देख लो लास्ट में जाते जाते इस पीरियड से, ये देखो ये देखो ये देखो, आपने कहा सर ये कौन आ रहे हैं सांप की तरह, अरे पप्पू ये फोटान आ रहे हैं, हर फोटान की आवृत्ति निश्चित होती है। आपने कहा सर फोटान कौन होता है, अरे भाई प्रकाश होता है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं 7। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है, लाल की। आप कैसे याद करते हैं बताओ, बे जा नी है पी ना ला, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी होती है और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो बताओ सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश कौन सा होता है, ये सबसे बढ़िया, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये मीडियम आवृत्ति के तीनों बताओ। उधर से प्रकाश आके गिरता है इस पर,
इसमें से कौन पैदा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपने कहा सर आपने पढ़ाया तीव्रता तीव्रता, तीव्रता बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अरे बेटा इस पर 100 फोटॉन डाले आपने, फिर 200 फोटॉन डाले, 300 फोटॉन डाले, ऊपर से प्रकाश के फोटॉन कण, तो जैसे संख्या बढ़ाएंगे तो आप क्या बढ़ा रहे हैं? तीव्रता। तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, प्रकाश धारा बढ़ेगी, लेकिन अगर आने वाले फोटॉन की आवृत्ति किससे कम है? दहली आवृत्ति से। आप कितने भी फोटॉन डाल दो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यस, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कभी भी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल किस पर निर्भर करती है बताओ? आवृत्ति पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तेजी से कब निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन जब कौन किससे ज़्यादा होता है? आने वाले फोटॉन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा होती है, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता, अदरवाइज नहीं होता। तो तीव्रता का अर्थ सीख गए आप, फोटॉनों की संख्या बढ़ाना, आवृत्ति का अर्थ सीख गए कि ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेंगे, गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। अपने का सर एक बार बोलते हैं आप निरोधी विभव, ये क्या चीज़ होती है? बेटा बार बार बोला था आपने, ऐसे एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था जिसकी एक बार प्रैक्टिस करना बना के। ये एनोड प्लेट होती है बेटा, एनोड विभव कहते हैं आप लोग इसको, संग्राहक प्लेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का संग्रह करने वाली प्लेट, ये उत्सर्जक प्लेट होती है। तो अब बताओ ये एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट पर कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर इस एनोड प्लेट को मैं दिक् परिवर्तक की सहायता से धीरे धीरे, दिक् परिवर्तक धन विभव भी दे सकता है और ऋण विभव भी दे सकता है, अगर इस एनोड प्लेट को मैं धीरे धीरे ऋणात्मक विभव दे दूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होगा तो परिपत्र प्रकाश धारा जीरो हो जाती है। उस ऋणात्मक विभव को, उसी ऋण विभव को कौन सा विभव कहते हैं बताओ? निरोधी विभव। बेटा उसी का नाम क्या होता है बताओ जल्दी? निरोधी विभव। कौन सा विभव है बेटा ये? निरोधी विभव। ओके, ये कौन सा विभव है भैया जी? निरोधी विभव, इसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, को निरोधी विभव। अब बताइए निरोधी विभव है, ये तो गति इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। निरोधी विभव को तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है कतई भी। यस, निरोधी विभव को आवृत्ति से तो मतलब है बट तीव्रता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीव्रता का अर्थ होता है कि धातु की सतह पर प्रति सेकंड निश्चित क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर कितने फोटॉन आके गिरते हैं। वासु खेमा अपन तीव्रता, अपन जब धूप में खड़े होते हैं ना और अपन कहते हैं कि आज तो यार धूप तेज पड़ रही है, तप तेज है, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि आज लाइट की इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इस तरह से आप पढ़ो ना यार, आपको पक्का आएगा, जोर से आएगा, नो प्रॉब्लम। कोई भी सवाल आपको नहीं आए, मैं एग्जाम्पलों की बात करूँ, मैं एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ, मुझे लगता कोई एग्जाम्पल ऐसा जो आपको समझ नहीं आएगा। यस, ऐसा कोई, क्योंकि बेटा शुरू के केवल आपको 5 एग्जाम्पल करने, धीरे धीरे बस शुरू के केवल 5 ही एग्जाम्पल करने हैं, ये देखो। और मैं अंततः ये चैप्टर की समाप्ति के साथ मैं आपको वो फार्मूला बता दूं जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता है, जिसके न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा टफ लगते हैं, वो रहा ये रहा आपका दोस्त। ये देखो, आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो काम करती है, काम नंबर एक, काम नंबर दो, बस बस बस। ये लो, इसको कार्यफलन कहते हैं, इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक तो लाट साहब तुम यहाँ बन गए। तो आपने कहा सर ये तुम समझ आ गया था ना? नहीं आए तो धीरे धीरे पढ़ो, बार बार किताब की रीडिंग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बुक को पढ़ो। ये फोटॉन आए, अंदर कौन बैठा था? इलेक्ट्रॉन। बाहर गेट पे निकाला, वो गेट पे निकाल के जोर से गतिज ऊर्जा दे दी बेटा। अब देखो, अब तो इलेक्ट्रॉन जोर से बाहरने लग गया। अब बताओ आने वाले फोटॉन की ऊर्जा है ये, इसने कितने काम करे? दो। एक तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से गेट पे लाया बेटा, उसको कार्यफलन कहते हैं। फिर उसके बाद कौन सी ऊर्जा प्रदान कर दी? गतिज ऊर्जा। तो बताओ आने वाले फोटॉन की ऊर्जा ने काम नंबर एक, काम नंबर दो, याद करो इसको। बस ये फंडा थोड़ा सा टफ लगता बच्चों को, इससे हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी बना लेते हैं। चलो
आपने कहा सर इसको कैसे लिख दिया आपने, लिख सकते हैं हमारी मर्जी, ये लो इसको तोड़ तोड़ के लिखो बड़ा मज़ा आता है, ये लो क्या हुआ आप लिख सकते हैं इसे, ये लो व्हाई नॉट लिख सकते हैं। और आप हाफ एम बी स्क्वायर को इधर ले आओ, आपका फैशन है मज़ा आता लिखते हैं, तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये लो आइंस्टीन समीकरण बन गए। ये तो आपने कहा सर ये तो ई था ना, बिल्कुल ई था, ये मान लो आप हाफ एम बी स्क्वायर है आपका, ये लो किसी भी तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यस। और ई को स्पेशली ब्रेक करना सीखो, प्लांक कांस्टेंट, ये देखो ई बराबर बेटा एच नहीं होता है, और बार 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 हर जगह न्यू की जगह क्या लिख देते हैं अपन, सी अपॉन लैम्डा, डरा मत करो आप, न्यू की जगह क्या लिख देते हैं सी अपॉन लैम्डा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप इसकी भी करोगे, क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी छोटा सा एग्जाम आएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन का, इनके न्यूमेरिकलों की कैलकुलेशन तो काफ़ी बड़ी होती है, एग्जाम में सिंपल से कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल आएगा, बट हमें हर सवाल के लिए फाइटिंग करनी है और तैयार रहना है, डरना किसी भी सवाल से नहीं है। और एक बात बता दूँ, आपके बुक वाले भी बताते हैं, मैं भी याद करा दूँ, बहुत अच्छी बात, आपने कहा सर क्या होता है अच्छी बात, याद कर लो, याद कर लो, अच्छी बात बताऊं, बहुत प्यार की बात। एक बच्चे ने कहा देखो याद करना इस बात को, न्यूमेरिकल करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, क्यों, क्योंकि सभी सवालों में बेटा ई बराबर होता है एस सी अपॉन लैम्डा। अब बताओ लैम्डा तो हमें दे रखा होता है, और लैम्डा ज़्यादातर काय में दे तो अंगस्टन को, अंगस्टन की खोपड़ी पकड़ के हम उसको किस में बना लेते हैं, मीटर में, ये तो बड़ा काम नहीं कर रहे आप, बट बड़े इसका गुणा करते हैं तो बड़ा टेंशन होता है, सर एच गंदा गंदा, सी गंदा गंदा। एग्जामिनर कह रहा है कि बच्चे एक हम सेटिंग बताएं आपको, बेटा ये देखो ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये लो 1242 हो गया गुणा, यस, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, बस ये वाला वर्ड याद करो आप, बस अगर ये वर्ड याद हो गया तो न्यूमेरिकलों की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है सर, न्यूमेरिकलों की कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाती है दोस्तों। अरे मैं कह रहा हूँ एच और सी को हम मल्टीप्लाई करें तो 1242, पहले लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर क्या लिखा नैनोमीटर, आप डायरेक्ट लिख दिया करो एच सी की जगह, ये यस, ये ध्यान रखना कि एक नैनोमीटर में इतने सारे मीटर होते हैं, तो ये ज़्यादा इजी रहता है, एक एग्जांपल में ऐसा कैलकुलेशन दे रखा है, ये 9 है बेटा ये वाला, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10^-9 मीटर, ओके। तो ये चीज़ आप कर लो, ये चीज़ करके तो इस चैप्टर को बेटा मैंने थ्योरी 100% पढ़ा दिया आपको, एक एक सवाल करा दिया, कौन सा हाटा है वो अच्छे से बता दिया, सिलेबस पढ़ के बता दिया। हैप्पी दिवाली से पहले इस चैप्टर को नोट भी कर लो, और ये डिपेंड मत रहो कि सर दोबारा पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम तो आपको हमेशा दोबारा बताते रहेंगे साल भर, बट इसको तैयार कर लो दिवाली से पहले। और भी आपके पास वक्त मिला, हमारे पास मिला और समय ऐसे ही रहा, तो परमाणु भी दिवाली के पहले 2 दिन का है चैप्टर बेटा, केवल 5 पीरियड का, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप आराम से पढ़ाई करते रहो, समय बर्बाद मत करो, आप ये 5 पीरियड में जो 5 पीरियड पढ़े आपने, 5ों में चैप्टर आपको लर्न करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पर्सनली बताना, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।